हेलो एवरीवन, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 6 से 7 मीटर कपड़ा लिया है। ये आप कितने छोटे और कितने मोटे या लंबाई वगैरह के हिसाब से आपको लगेगा। ये डबल फोल्ड है और इसे अब 4 फोल्ड करा है मैंने। 4 फोल्ड के बाद मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 11 इंच। ये आपकी फिटिंग के अनुसार रखी जाएगी। ये मैं कैसे फिटिंग लगाती हूँ ये आपको जब मैं सिलाई करूँगी तब पता चलेगा, तो तब आपको शायद अच्छे से समझ में आएगी मैंने ये 11 इंच कैसे रखा है। जैसे मैं अपनी फिटिंग 18 इंच लगाऊंगी, चेस्ट पे 18 इंच फिटिंग लगाऊंगी, तो उसमें मैंने प्लस करके 4 इंच और प्लस करके 22 इंच और 22 इंच का आधा 11 इंच इस तरीके से मैंने रखा है। ये मैं जब फिटिंग लगाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरे ये अपर पार्ट है। अपर पार्ट की जो हम लंबाई रखेंगे वो 14 इंच रखेंगे, जो सिलाई के बाद ये 13 इंच रह जाएगी, क्योंकि आधा आधा इंच ऊपर और नीचे से सिलाई में चली जाएगी। तो ये 13 इंच की अपर पार्ट बनेगा, मतलब जो कोटी सी बनेगी वो 13 इंच की बनेगी। ये मैंने मुड्ढे काटे हैं 6 इंच पे। हम इसमें बाजू नहीं लगाने वाले हैं इस ड्रेस में, तो मैंने इसके मुड्ढे की कटिंग 6 इंच पे करी है। इसके आर्म होल मैंने 5.5 इंच पे रखे हैं। फिर ये सीधे हमने इधर मिला दिया है और अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। मैंने ये फ्री हैंड दी है, वैसे ये 1 इंच पे दी जाती है, पर मेरे को आदत हो गई तो मैं फ्री हैंड अब दे लेती हूँ। और इसकी कटिंग कर देंगे। फिर इस प्रकार हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के कटिंग हो जाएगी। अब हम फ्रंट पार्ट में आर्म होल में आधे इंच की गहराई देंगे, जिससे फिटिंग अच्छी आती है, मतलब वरना यहाँ पे थोड़ी सरवट सी रहती हैं अगर हम ये गहराई नहीं देते हैं। नेक की हम कटिंग बाद में करेंगे, क्योंकि वो हम डायरेक्ट बुकरम पर करेंगे। ये दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये फैब्रिक लिया है मैंने 5 मीटर, और 5 मीटर फैब्रिक में 9-9 इंच चौड़ाई की ये मैंने निशान लगाए हैं। ये जो चौड़ाई है, ये पट्टियाँ जो कटेंगी, ये 9-9 इंच चौड़ाई की कटेंगी। ये चौड़ाई 9-9 इंच चौड़ाई की पट्टियाँ कटें, तो 5 मीटर में से 4 पट्टियाँ कटी हैं, तो कितनी हो गई? 20 मीटर पट्टियाँ हो गई। और 20 मीटर में सबसे ऊपर वाली पट्टी 2 मीटर की, दूसरी 3 मीटर की, तीसरी 4 मीटर की, चौथी 5 मीटर की और पांचवी 6 मीटर की होगी। जो हमारे फ्लेयर लगेंगे, पहला जो फ्लेयर लगेगा वो 2 मीटर से स्टार्ट होगा, ऐसे एक एक बढ़ते हुए जो 5वां फ्लेयर लगेगा वो होगा हमारा 6 मीटर का। जैसे कि इसमें समझ में आ रहा होगा आपके, इसी जैसे हमारे 5 मीटर में से हमने पट्टियाँ काटी तो हमारे 20 मीटर हो गई, तो हमारे 20 मीटर पूरा यूज़ हो जाएगा। अब ये बुकरम पर मैंने गले की कटिंग करनी स्टार्ट करी है। आगे के गले की जो गहराई हमने रखी है वो 5 इंच रखी है, क्योंकि जिनके लिए मैं बना रही हूँ उन्हें ज़्यादा गहरा नहीं चाहिए, तो 5 इंच ही रखेंगे हम। और चौड़ाई हमने रखी है 3.5 इंच, गहराई उतनी रखें कि आसपास की आंटियाँ तुम्हारी जो उनकी नज़र है वो टिकी ना रह जाए, वरना वो पहनने ही नहीं देंगी तुम्हें। अगर इतना गहरा रखोगे तो टोक टोक की मार देंगी, हाय कितना गहरा पहन रही है। फिर पीछे के गले की जो मैंने गहराई रखी है वो मैंने रखी है 7 इंच। चौड़ाई सेम जितनी आगे है 3.5 इंच उतनी ही मैंने पीछे 3.5 इंच, चौड़ाई तो सेम ही होगी। गहराई अलग अलग है, आगे की 5 इंच, पीछे की 7 इंच। और फिर अच्छे से आराम से कटिंग करनी है ताकि गोलाई में कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए आराम से हम इसकी बुकरम पर कटिंग करेंगे। इसे हम कपड़े पर पेस्ट करेंगे। कपड़े पर पेस्ट करने के बाद इसे हम डायरेक्ट मतलब सिलाई के टाइम पे डायरेक्ट हम इसे अपर पार्ट पर लगाएंगे। जैसे ये मैं दिखा रही हूँ, मैंने कपड़ा कट कर लिया है पेस्ट करने के लिए। ये आर्म होल के लिए अब हम जो अरेबिक पट्टी हैं उनकी कटिंग करेंगे। मैं अरेबिक पट्टी भी फ्री हैंडली कटिंग, ऐसे टेढ़ी कटिंग करनी है। सीधा कपड़ा लेना है और फिर उसे टेढ़ी कट कर लेंगे। 4 पट्टियाँ बहुत हैं, वैसे मैंने पता नहीं 6-7 पट्टियाँ काट ली थी, बट 4 बहुत हैं, 4 से काम हो जाएगा। इतनी सारी मेरे तरह इतनी सारी सजाने के लिए काटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इतनी सारी काट दी हैं, 4 ही बहुत हैं। ये देखो मैंने पट्टियाँ काट ली हैं, ऐसे सजा रही हूँ जैसे यहीं पे सजा के चिपकानी है। कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्टिचिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। तब तक के लिए राधे राधे।